अब आज के टाइम में आप एक यूट्यूबर हो या गेमर हो या कोई फ्रीलांसिंग वर्क करते हो तो एक चीज की जरूरत आपको पड़ ही जाती होगी, दैट इज स्क्रीन रिकॉर्डर। पर आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं, तो हम कौन सा चूज करें जिससे एक अच्छी क्वालिटी मिले एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हैंग और लैग नहीं होना चाहिए। यही सवाल आपके भी हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपको एक अच्छी क्वालिटी देने के साथ साथ हैंग और लैग बिल्कुल नहीं करेगा। सो लेट्स चेक इट आउट। अब सबसे पहले आपको अपने पीसी पर आना है और यहां सर्च करना है फास्ट पीसी टूल स्क्रीन रिकॉर्डर। ऊपर की तरफ ही फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा। नीचे आपको इन्होंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के सारे फीचर्स बताए हुए हैं, तो अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिलहाल तो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ओके, डाउनलोड करने के बाद इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना, मेरा तो पहले से हुआ हुआ है तो उस पर आपको समझा देता हूँ। ओके, तो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक आउटर एरिया मिलता है जो कि बिल्कुल रेड लाइन से कवर किया गया है। इसको आप जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो। फिर क्या है ना, ये रिकॉर्डर उतनी स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एरिया सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये मुझसे कस्टम रेजोल्यूशन भी पूछ रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको 720 पिक्सल या 1080 या फिर 2K 1440 पर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है वेबकैम का, तो अगर आप लोगों के पास में वेबकैम है तो यहाँ पर उसे आप जैसे ही प्लग इन करोगे तो ऑप्शन में दिखा देगा वो, और फिर उस वेबकैम को आप जैसे जहां जिस एरिया पर सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे गेमर्स क्या करते हैं कि एक तो उनकी स्क्रीन पे गेम चल रही होती है, साइड में उनका वेबकैम आ रहा होता है, तो उस तरीके से कर सकते हो। फिर है स्पीकर्स का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो लेट्स से अगर कोई गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी बैकग्राउंड साउंड का होना बहुत जरूरी होता है, तो इस फीचर का भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। अगला है माइक्रोफोन का, तो यहां पर मेरे दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, एक तो ऑडियो यूएसबी यानी कि मेरा यूएसबी माइक्रोफोन, एक है मेरा नॉर्मल वाला रियलटेक का माइक्रोफोन। तो जो भी आप यहां से सिलेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस सॉफ्टवेयर में लगी कि आप जब चाहो अपनी रिकॉर्डिंग को टाइम सेट करके स्टॉप कर सकते हो। मतलब कि अगर मान के चलो कि मैं यहां पर एक टाइम सेट कर देता हूं कि भाई इतने घंटे के बाद में रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। एंड ये फीचर किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है, लेकिन यहां मिल रहा है, तो इसका एक एडवांटेज हो जाएगा आप लोगों को कि आप लोग जब भी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे तो आपका पीसी वगैरह लैग और हैंग नहीं करेगा और टाइम पर उसकी रिकॉर्डिंग भी रुक जाएगी। तो देख लेना, काफी लोगों के काम का है फीचर। फिर आ जाता है यहां पे रिकॉर्डिंग बटन, तो इससे तो आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्ड ऑडियो में क्या है, बेसिकली आपका माइक्रोफोन और स्पीकर्स दिए गए हैं, आप किससे रिकॉर्डिंग करनी है। फिर आता है स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, फुल स्क्रीन लेना है तो प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दो, विदाउट टास्क बार लेना है तो कंट्रोल ऑल्ट, ये बेसिकली शॉर्टकट कीज दे रखे हैं। फिर है सेटिंग्स का, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर में ना सेटिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां देख रहे हो कि पहले तो यहां पर मुझसे ब्राउज का पूछा गया है कि जो मेरी वीडियोस फाइल है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होंगी, उसको मैं कहां सेव करना चाहता हूं। तो अगर आपको लोकेशन सही लगती है तो कर सकते हो, नहीं तो चेंज भी कर सकते हो। फिर है शो माउस मूव इन रिकॉर्डिंग, तो अगर रिकॉर्डिंग के दौरान आपको अपना माउस शो करना है तो टिक रखो, नहीं तो अनटिक कर दो। ऐसे ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करने के लिए या पॉज और रिज्यूम करने के लिए शॉर्टकट कीज दे रखे हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इन शॉर्टकट कीज को चेंज कर सकते हो। बाकी जो हो गए अपने प्रीसेट्स हो गए, क्वालिटी हो गई, ये सब मोस्टली आप डिफॉल्ट रखो। FPS इफ यू वांट चेंज करना चाहते हो तो 60 वगैरह कर सकते हो और फिर सेव कर लो। इस सॉफ्टवेयर को मैंने खुद पर्सनली यूज किया एंड मैं इसकी क्वालिटी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। ये रही इसकी कुछ सैंपल रिकॉर्डिंग्स और साथ में इसके स्क्रीनशॉट्स भी, जिनको कि अगर आप जूम करके भी देखोगे ना तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अब जाहिर है कि इतने अच्छे फीचर्स के साथ आ रहा है तो फ्री तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको इसमें 3 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा जिसमें कि आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ सकते हो एंड डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको 3 दिन का ट्रायल में सॉफ्टवेयर पसंद आ जाए तो आप लोग इसकी मेंबरशिप ले सकते हो, जो कि अराउंड 399 रुपीस की एनुअल मेंबरशिप, साल के 399 रुपए देने, बहुत सस्ता है। तो अगर पसंद आए तो जाकर के परचेज कर लेना एंड मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। चलिए बाकी मिलता हूं किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।